नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना जोगिंदर चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो रिक्वेस्ट किया है हमारे YouTube फैमिली के एक सब्सक्राइबर ने, जो कि एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन। इवन सेंस कह सकते हो एक कॉमन फिनोमिना है जो कि आपको डेली लाइफ में भी देखने को मिलता है। और इन द सेंस ऑफ हम जब अपना बॉयलर ऑपरेशन करते हैं तो एट दैट टाइम ये फिनोमिना जनरली हम ऑब्जर्व करते हैं, और इन द सेंस ऑफ डेली लाइफ में भी ये काफ़ी हम ऑब्जर्व करते हैं। सो दैट आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू बॉयलर ऑपरेशन ही होने वाला है एज यूजुअल। बट जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के बारे में बता देता हूँ कि आज जो टॉपिक है हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक कॉमन सा टॉपिक है, आप सभी अवेयर होंगे, लेकिन आप सभी को पता है कि ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या रीजन्स है। बस थोड़े से हम उसको थोड़ा सा और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे कि पावर प्लांट के अंदर इसको कैसे अवॉइड किया जाता है और ये पावर प्लांट के अंदर कैसे होता है। सो दैट जो हमारी कैटेगरी है वो पावर प्लांट से ही है, पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से। सो दैट हम उसी से कहीं पर इसको कॉलेक्ट करेंगे, आफ्टर दैट सारी प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कस करेंगे कैसे क्या होता है। तो सो दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है वाटर हैमरिंग। आपको पता ही चल रहा है कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पे है वाटर हैमरिंग है। वाटर हैमरिंग का मतलब पानी के द्वारा हैमरिंग करना, यानी पानी के द्वारा हथौड़ा मारना, सिंपली वे में देखा जाए। तो दोस्तों ये क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन्स है, तो आज इस वीडियो में अच्छी तरीके से ब्रीफली से जानेंगे। यदि आप इस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि जो भी इसमें हम डिस्कस कर रहे थे तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू आप ले सके। तो दोस्तों सबसे पहले है कि व्हाट इज द वाटर हैमरिंग, वाटर हैमरिंग क्या होता है। तो दोस्तों वाटर हैमरिंग जस्ट इज ए प्रेशर सरग और मोशन व्हेन ए मोमेंट्री फ्लूड इज फोर्स टू स्टॉप एंड चेंज देयर डायरेक्शन इन सडनली। तो यदि हिंदी में इसको बताएं तो जो वाटर हैमरिंग होता है वो प्रेशर सरग होता है या फिर वेव की तरह होता है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। ये कब पैदा होता है, ये जब पैदा होता है यदि जब हम किसी फ्लूड को सडनली से स्टॉप करते हैं या फिर सडनली से उसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे जो पाइपिंग अरेंजमेंट बना रखा है ये सारा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, तो ये सारा मैंने जो इस लाइन में मैंने डिस्क्राइब किया, तो मैं यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करूँगा कि भाई व्हाट इज द वाटर हैमरिंग, कैसे होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे अवॉइड करेंगे इसको होने से। तो दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपको एक यहाँ पे जनरल अरेंज करूँ कि जैसे कि ये क्यों होता है। सपोज दैट ये हमारा कोई टैंक है, ये कोई हमारा टैंक है जिसका हेड यहाँ तक है, जो हमारी सेंट्रल लाइन है, इससे जो हमारा ये है, जो हमारा ये हेड है, और जो इसके अंदर जो फ्लो हो रहा है वो क्या डिस्चार्ज, सपोज दैट इसका डिस्चार्ज कुछ भी है, सपोज दैट 2 TPH है, तो इसका डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट है मानेंगे, और जो ये जो वेलोसिटी से फ्लो कर रहा है वो V है, और जो पाइप की लेंथ है वो L है, और जो D है वो डायमीटर ऑफ द पाइप। तो सपोज दैट कि ये हमारा वॉल्व लगा है, सपोज दैट अभी हमारा वॉल जो है ओपन कंडीशन में है, तो हमारे क्या है ये एक यूनिफॉर्म जो फ्लूड का फ्लो है वो एक क्याउड डिस्चार्ज से और वेलोसिटी वी से और थ्रू पाइप लेंथ ये अभी फ्लो कर रहा है। तो सपोज दैट हमने ये वॉल सडनली से हमने स्टॉप कर दिया, तो स्टॉप कर दिया कि क्या है, अभी जो हमारा एक क्याउड डिस्चार्ज से जो फ्लो हो रहा था वो क्या हुआ सडनली से क्या है उसका डिस्चार्ज जीरो होगा, सपोज दैट कि उसका मूवमेंट भी जीरो हो गया दैट टाइम। तो सपोज दैट कि इसमें कंडीशन क्या होगी कि भाई हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी अपनी v1 इज इक्वल टू क्या है v, और फाइनल वेलोसिटी क्या हुई एट दैट कंडीशन v2 इज इक्वल टू जीरो। इस बोध हमने वाल्व बंद कर दिया तो क्या हुआ एट दैट टाइम सडनली से इसका जो फाइनल वेलोसिटी जो हमारा सडनली से जीरो हो गई फ्लूड की, तो क्या हुआ इसका मोमेंटम भी जीरो हो गया,
मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो दोस्तों एट दैट कंडीशन क्या हुआ, जैसे ही हमने उस डलने से वॉल स्टॉप किया तो क्या है, जो हमारी फ्लूड की जो काइनेटिक एनर्जी थी जैसे हमने बंद किया वो यहाँ पे क्रिएट हो गई प्रेशर एनर्जी से, जो कि वे वापिस वेव फॉर्म में रिटर्न होती है। तो क्या हो गया, सपोज दैट हमने कभी यहाँ पे कोई गेज लगा रखा है, तो सपोज दैट एट इनिशियल टाइम पे सपोज दैट वो 2 kg का फ्लो दिखा, 2 kg का प्रेशर दिखा रहा था इस लाइन में। तो जैसे ही सडनली से हमने वॉल्व बंद किया तो क्या किया, तो वो प्रेशर के सडनली से सपोज दैट की 6 kg हो गया, सपोज दैट की 4 kg का जो हमारा बैक प्रेशर आया यहाँ पे, तो क्या होगा वो बैक प्रेशर क्या करेगा इन द सेंस ऑफ वेव वेव लेंथ में, जो कि एक बैक प्रेशर में जो जैसे बैक लहरें वो क्रिएट होंगी। तो क्या है वो जो 4 kg का प्रेशर उसने क्रिएट किया तो वो क्या है, एक आपको एक नॉकिंग साउंड के द्वारा सुनाई देगा। तो क्या है ये, क्या है एट दैट कंडीशन क्या है, ये है वाटर हेमरिंग। आपने आपने देखा ही होगा, स्कोल स्टार्टअप करते हो तो ये फर्दर मैं आगे डिस्कस करूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छी पॉइंट्स है ये। तो क्या होगा एट दैट कंडीशन, तो क्या यहाँ पे बैक प्रेशर जनरेट हुआ तो क्या है नॉकिंग साउंड होगी। तो क्या है ये कई बार इतनी हाई होती है कि स्पो दैट जो इसका जो वॉल का मटेरियल है तो क्या है वो अच्छे स्पो दैट की हम कोई आइसोलेटिंग वॉल्व यूज कर रहे हैं तो क्या इसका स्पिंडल ज़्यादा मजबूत नहीं होता, क्या है ये इसको भी डैमेज कर देता है। तो क्या है ये, क्या है जो भी हमारा इसमें क्या होगा, ये एक तो वॉल डैमेज ही होगा, जो इंटरनल टीयर और वियर होंगे पाइप्स के अंदर वो भी उससे उसके साथ होंगे, और जो भी स्पो दैट की जो हमारी लाइन में जो फ्लो मीटर लगे हैं या फिर प्रेशर गेज लगे हैं तो क्या है वो उनको भी डैमेज कर देगा। तो देखा जाए तो सिंपल सा फिनोमिना है, लेकिन जो डैमेज करता है उसके डैमेज काफ़ी भयानक होते हैं इन द सेंस। तो क्या है, तो इसके पीछे इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं और इसको होने से कैसे रोक सकते हैं पावर प्लांट्स के अंदर या फिर जनरल डेली लाइफ में। तो क्या है यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा मैं सभी को, आपने देखा होगा ये किस तरीके कहाँ पे होता है। मैं सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आपने कभी एसपी डोजिंग पंप देखा होगा, एसपी डोजिंग पंप क्या है, आपने उसका कभी गेज देखा होगा, उसका गेज ऐसे हिलता है। तो क्या है वो, क्या है एट दैट टाइम क्या करता है वो भी आपने उसका आपने मैंने कई जगह पे देखा है, कहीं पे क्या है एक जो उसकी लाइन होती है स्पोज दैट जो जो हमारा टैंक होता है, टैंक का जो डिस्चार्ज होता है यहाँ पे स्पोज दैट ये प्रेशर गेज लगा है। तो क्या है कहीं पे यहाँ पे एक टैंक वाटर टैंक टाइप का एक इंडिकेटर लगा देते हैं। तो क्या है कई जगह पे वो नहीं लगा रहता, वो एज ए सोक एब्जॉर्वर का काम करता है, यहाँ पे जो भी जग पैदा होता है जैसे कि सडनली से वो पंप करता है पानी को, एक तो स्टेडियम में कंडीशन में वो पंप कर रहा है तो फर्दर से वो पंप करता ही रहता है। तो क्या है एक जर्क क्रिएट होता है वहाँ पे जो कि फ्रेश प्रेशर सर्ग होता है। तो क्या है एट दैट टाइम क्या करता है, जो ये सिस्टम कहीं पर नहीं लगा होता है तो क्या होता है वो ये जो अपना जो प्रेशर गेज है वो ऐसे टक 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 करके ऐसे लाइक दैट, तो क्या है वो ऐसे हिलता रहता है। और उसका हमारा सबसे बेनिफिट क्या होता है, इस लागे सोक एब्जॉर्बर का काम करता है, जो एक टैपिंग लेके हम एक ग्लास गेज ग्लास उसको फिलअप कर देते हैं, आपने अरेंजमेंट देखा होगा। तो क्या है वो, क्या है जो पिस्टन से जो जर्क पैदा होता है जो फ्लूड के अंदर, तो क्या है ये वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि जो हमारा सपोज दैट जैसे कि हमारा जो गेज लगा है ये खराब नहीं होता। तो इस तरीके से ये एक जनरल एग्जाम्पल है उसका। तो क्या है अभी सपोज दैट ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से किस कंडीशन में हमारा जो भी वाटर हैमरिंग होगी किस कंडीशन में ये वाटर हैमरिंग होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि भाई ये तो हो गया फ्लूड के केस में, और अब बात करते हैं कि भाई जो हमारा स्टीम के केस में जो हमारे पावर प्लांट के अंदर जैसे किस तरीके से वाटर हैमरिंग हम कहाँ कहाँ पे देखते हैं। ये तो एक थी, एक जनरल थी, ये फ्लूड केस में थी, लेकिन जो स्टीम केसेस में है ये सपोज दैट कि जो भी हमारा वाटर हैमरिंग होता है वो लोअर केस में होता है। अभी कैसे है सपोज दैट ये एक हमारा पाइप है जिसके अंदर जो ये कंडेंसेट है वो कलेक्ट हो रखा है यहाँ पे भी। तो सपोज दैट कि हमने सडनली से यहाँ पे जैसे कि आप
लाइन चार्ज करते हो, क्या है जैसे हमारे यूनिट काफी लंबे टाइम तक डाउन में है तो उसमें क्या होगा, जो हमारा जो प्रॉपर वे से हमारा कंडेंसेट निकल तो नहीं पाता, क्या है वो पानी के अंदर कलेक्ट हो जाता है। तो कलेक्ट हो जाता है तो वो क्या है, वो जब तक कलेक्ट रहता है जब तक हम अपना स्टीम दे के लाइन चार्जिंग नहीं करते तब तक रहता हो। तो क्या है, इनिशियल में जब भी हमने स्टीम इसमें सेंड की तो क्या है, जो हम इनिशियल में स्टीम सेंड करते हैं बॉयल से, वो सैचुरेटेड स्टीम होता है। तो क्या एट दैट टाइम क्या होता है कि वो भी साथ में साथ साथ जाके क्या है, वो भी धीरे धीरे ठंडा होता रहा हो जाता है। तो क्या होता है कि एक ह्यूज अमाउंट में कलेक्शन हो जाता है वाटर का। तो एट दैट टाइम क्या होता है कि भाई यदि हम उसकी सैचुरेटेड स्टीम की वेलोसिटी की बात करें तो वो क्या होती है, वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ सैचुरेटेड स्टीम इज इक्वल टू, ये होती है 22-35 मीटर पर सेकंड। और बट हम बात करें तो जो हमारा कंडेंसेट है या इवन फ्लूड है, वाटर कह सकते हैं हम, वाटर की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 2-3 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो कि जब हम स्टीम, जैसे कि हमने लाइन चार्जिंग के लिए हमने वाल्व खोला तो वो 20 से 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड की जो स्टीम है वो पाइप के थ्रू वो इंजेक्ट होगी। तो क्या होगी, जो हमारा कंडेंसेट जो कलेक्ट हो रखा है तो क्या है, वो एकदम से उसको स्ट्राइक करेगी। तो स्ट्राइक करेगी कि तो क्या हो गया, उसमें जो एक लहर पैदा होगी यहाँ पे, जैसे आपने ये बम्प देख रहे हो, तो क्या है ये एक लहर होती, लहर डेवलप होगी। तो जैसे लहर डेवलप होगी तो क्या है, वो जो पाइप का जो सरफेस है इंटरनल सरफेस उस पर क्या है, उस पर टकराएगी। जैसे यहाँ पर टकरा रखी है तो क्या है, वहाँ पे एक नॉकिंग साउंड डेवलप होगी। और आपने देखना है कि जैसे कि ऐसे लाइन हिलती हुई दिखती है। सो दैट तो ये तो हो गई, अभी इसके पीछे क्या रीजंस हैं। तो सपोज दैट कि जैसे कि हमने जो हमारा हाई अपना वेलोसिटी की जो सैचुरेटेड स्टीम है वो इससे टकराई, जो कि स्टीडी स्टेट इसकी जो वेलोसिटी है वो 2.2-3 मीटर पर सेकंड की है। तो क्या होगा, जो क्लाडेशन होगा इनका, तो वो है क्या है, एक वो लहर पैदा करेगा और वो लहर जो इनर सरफेस है वो ट्यूब्स का या पाइप्स का, तो क्या है वहाँ पे वो एक शॉक क्रिएट करेगी, तो जिससे एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगी वहाँ पे, जिससे कि एक नॉकिंग साउंड आएगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर हैमरिंग। तो दोस्तों अब इसके पीछे क्या होता है, जो भी हमारी काइनेटिक एनर्जी है ऑफ फ्लूइड वो कन्वर्ट हो जाएगी प्रेशर एनर्जी में। कैसी प्रेशर एनर्जी होगी, जैसे ही कोई बैंड आएगा यहाँ पे तो इसे स्ट्राइक करके वो क्या है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या है, वो प्रेशर एनर्जी वेव फॉर्म में आगे डिस्पैच होगी। तो क्या होगी, तो वो आगे जो वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, जो मैंने आपको एलर बता चुका हूँ आपको। तो दोस्तों ये तो फिनोमेना था कि भाई कैसे वाटर हैमरिंग होता है, इन द सेंस ऑफ फ्लूइड, इन द सेंस ऑफ स्टीम लाइन। तो ये तो बात होगी कि भाई किस तरीके से होता है। तो अब बात करते हैं कि भाई किसको किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है पावर प्लांट्स के अंदर, कि भाई क्या क्या एप्लीकेशन रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने सडनली हमने वाल क्लोज कर दिया, एक तो ये फैक्टर है कि भाई हम इसको सडनली क्यों करें, हम इसको ग्रेजुअली भी कर सकते हैं कि ताकि जो कि जो बैक प्रेशर जनरेट होता है वो ना जनरेट हो सके। तो दोस्तों अभी सबसे पहला पॉइंट यही है, वैसे तो मैंने काफ़ी अच्छे अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स मार्शल से मैंने ये टॉपिक उठाया है। तो क्या है, क्योंकि एक फोर्ब्स मार्शल एक काफ़ी स्टैंडर्डाइज कंपनी है, तो उनके प्रोफेसर से डिस्कस करके मैंने ये टॉपिक उठाया है, तो ताकि मैं पावर प्लांट ज्ञानी फैमिली है उसको मैं एक अच्छी नॉलेज दे सकूं, सो दैट उनसे मैंने डिस्कस करके पूरा टॉपिक उठाया है। तो सबसे पहले थैंक्स करना चाहूंगा उनका, जो उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। तो दोस्तों नेक्स्ट है कि भाई सबसे पहले तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी कि भाई जो हम सडनली से हम वाला वाज क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, वैसे तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, इसमें क्या है कि ट्रेंड ऑपरेटर फॉर वाल ऑपरेशन, कि भाई जो भी हमारा ऑपरेटर है या बॉयलर फर्स्ट क्लास है या जो सेकंड क्लास है या फिर इवन इन द सेंस ऑफ यदि देखा जाए तो इमरजेंसी में भी हमें इंजीनियर्स को भी वाल ऑपरेट करने पड़ जाते हैं,
तो क्या है, हमें एक तो एक ट्रेनिंग देनी चाहिए लोगों को कि भाई हमें इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से वाल ऑपरेट करने हैं, या फिर जनरल वे में से किस तरीके से वाल ऑपरेट कर सकते, ताकि हम जो जर्क पैदा होता है, सपोज दैट हम आईबीडी भी देते हैं तो सडनली से क्या है, हम आईबीडी बंद कर देते हैं, तो उसमें क्या है, क्या होता है कि वो भी एक जर्क करने का, वहाँ पे भी एक जर्क हो सकता है, वहाँ पे भी एक वाटर हैमरिंग के होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इवन ये फर्दर जहाँ पे भी फ्लूड लाइन्स है, जहाँ पे स्ट्रीम लाइन है, तो ये है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हर एक जगह पे ये फिनोमेना अप्लाई होता है। तो सो दैट हमें अब अपने जो भी ऑपरेटर्स हैं उनको अच्छी तरीके से ट्रेन करना चाहिए, ताकि वो इसके पीछे जो रीजन होने वाले जान सके कि उनके पीछे क्या लॉसेज है, ये जान सके। तो मैंने पहले लॉसेज डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में, क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है, सबसे पहले हम पॉइंट ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि वो ट्रेन ऑपरेटर होने चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टीम लाइन शुड ऑलवेज बी इंस्टॉल्ड ग्रेजुअल स्लोप इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। कहने का मतलब ये है कि भाई जब भी कभी भी हम स्टीम पाइपलाइन इंस्टॉल करते हैं, जब भी हम पावर प्लांट इंस्टॉल करते हैं, तो क्या है, जो भी हमारी पाइपलाइंस हैं हमें बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हमें इंस्टॉल करनी चाहिए, हमें थोड़ा सा उनको स्लोप देके रखना चाहिए। जो हमारा सपोज दैट ये हमारा डिस्कस हो गया यहाँ से, इसको क्लियर कर देते हैं। तो कभी क्या है, जो भी हमारा जो पाइपलाइन है, जो हम इसको स्ट्रेट ना बना के इसको स्लाइटली स्लोप में बनाएंगे, ताकि जो हमारा जब हम अपने यूनिट को शट डाउन कर सके करते हैं, तो जो भी यहाँ पे कंडेंसेशन फॉर्म होता है वो यहाँ पे फॉर्म ना हो, तो क्या है वो थोड़ा सा जो लाइन हमारी थोड़ी स्लोप में रहेगी, तो क्या है वो कंडेंसेट सेट यहाँ पे कलेक्ट होके हम एक पर्टिकुलर ड्रेन पॉइंट लगा के हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो एक पॉइंट है कि इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि भाई इंस्टॉलिंग स्टीम ट्रैप एट रेगुलर इंटरवल्स। आप लोगों ने अपने स्टीम्स लाइन्स में आपने देखा होगा कि एक स्पेसिफिक इंटरवल्स पे डिस्टेंस पे स्टीम ट्रैप लगाए जाते हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जब भी हम अपना लाइन चार्ज करें, या तो उनमें हंटिंग की जो प्रॉब्लम है, वाटर हैमरिंग की जो प्रॉब्लम है, वो फॉर्म ना हो, तो सो दैट कि हमें जो भी रेगुलर इंटरवल पे जो भी हमें ट्रैप लगा देने चाहिए, ताकि उनसे पानी निकलता रहे या कंडेंसेट जो फॉर्म होता हो यूनिफॉर्मली निकलता रहे, ये भी एक है। जो थर्ड पॉइंट है, स्लैगिंग ऑफ पाइप शुड बी अवॉइडेड। कि भाई स्लैगिंग का मीन्स दैट कि जब भी जो हमारी पाइपलाइंस है इस तरीके से दैट हमें कोई सपोर्ट नहीं देता है, तो क्या है जो लंबी लाइनें होती है स्ट्रीम की, क्या हो थोड़ा सा लिटिल बिट क्या है वो स्लोप में आ जाती है, तो क्या है एट दैट कंडीशन में क्या होगा, जो कंडेंसेट है वो फॉर्म होने लगेगा। तो हमें एक प्रॉपर तरीके से जो स्ट्रीम लाइन है उसको लगा देना चाहिए, ताकि बीच में जो ये सैगिंग फॉर्म है जो कि वो टाइप का हो जाता है वो ना हो, और जो हमारा कंडेंसेट है यहाँ पे कलेक्ट ना हो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम इसको डिस्कस करते हैं, ट्रेन ऑपरेटर्स फ्रॉम वाल ऑपरेशन शुड बी डन। तो नेक्स्ट है कि भाई ड्रेन पॉकेट शुड बी प्रॉपरली साइज। जैसे कि हमारा जो स्टीम ट्रैप है, जो उसके हम ड्रेन पॉइंट है, कि सपोज दैट कि जो भी हमारी जो प्रॉपर जो साइज की, सपोज दैट कि हमें यहाँ पे जो लाइन है वो हाफ इंच, सपोज दैट कि हमें हाफ इंच का जो होल इसमें मार दिया, पंच कर दिया, तो क्या हुआ कि भाई ये जो हाफ इंच का जो हमने होल इसमें पंच किया है, क्या वो प्रॉपर तरीके से ड्रेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो हमें क्या है, जो भी हमें साइज है यहाँ पे, जो भी ड्रेन के लिए हम वो करते हैं, तो क्या इसका साइज भी प्रॉपर होना चाहिए, ताकि जो कि जो हमारा कंडेंसेट फॉर्म होता है वो प्रॉपर वे से ऐसे निकलता रहे। भी कुछ पॉइंट्स है कि जो जिससे कि हमें पता लगता है कि भाई हम किस तरीके से उनको वाटर हैमरिंग को अवॉइड कर सकते हैं। तो आई होप जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया वाटर हैमरिंग, आई थिंक आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि आपको डाउट भी है तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरी हम आपकी फुलफिल कर सकें। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो काफ़ी बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो दैट दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे एक अच्छी टेक्निकल वीडियो के माध्यम से। यदि आपका भी कोई रिक्वेस्टेड वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाले करियर ग्रोथ के लिए काफी हेल्पफुल हो।
यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।